शादी के मात्र 1.5 साल बाद ही बहू को ससुराली जन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। जब उसने दहेज लाने से मना कर दिया तो मारपीट की और सारे जेवरात छुड़ा लिए। मामले को लेकर महिला एसपी के पास वो अपनी गुहार लगाने पहुंची और उसने आपबीती बताई। राधा ने एसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि उसकी शादी 1.5 साल पहले सेठू वंश का निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील खनिया धाना के साथ हुई थी। शादी में उसके पति ने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ससुराली जन उसे परेशान करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने शादी में कुछ नहीं दिया, अब उन्हें 50,000 नगद और एक बाइक चाहिए, नहीं तो वो घर में नहीं रखेंगे। राधा ने बताया कि इस बात को लेकर आए दिन उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस बात की जानकारी उसने अपने भाई को दी। जब भाई आया और उसे लेकर जाने लगा तभी उसका पति सेठ और जेठ रामेश्वर आ गए और लाठी डंडों से मारपीट कर जेवर छुड़ा कर ले गए। मामले की शिकायत थाने में की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद उसने एसपी से गुहार लगाकर पति सेठू, जेठ रामेश्वर, जेठानी बबीता, सास गोमा वंशकार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जी मामला है का ये परेशानी है कि मेरे को रखते नहीं है। शादी को 1.5 साल हो चुकी, परेशान करते हैं मेरे को, खाने के पिए ले आते नहीं है, कुछ ले आते कहते हूँ तो मारते हैं मेरे को। भाभी से मतलब रखते हैं, मेरे से मतलब नहीं रखते हैं। जो कुछ दिया था सब बेच दिया। आप गाड़ी मांग रहा है, 50,000 रुपया मांग रहा है मेरे से। मेरे पापा है नहीं, पापा गुजर चुके, बहन भाई मेरे छोटे हैं, कहाँ से दे रहे हम। कौन मांगता है? पति मांगता है और सास भी मांगती है। ससुराल कहाँ पर है आपको? अच्छा रोनी पकता पर आम है। जी कहाँ पड़ता है? खड़िया थाने के पास में ही पड़ा था वो भी। थाने में रिपोर्ट डलवाई थी, हमने कोई सुनाई नहीं की। 7 तारीख को गई थी, कोई सुनाई नहीं करी हमारी। ऐसी भागा थी जो बोलते हैं मैं पैसे मांगते हैं, पैसे दे दो हमारे को। हम कहाँ से पैसे दे रहे, हम तो गरीब आदमी है। कौन मांगते हैं? थाने वाले मांगते हैं, जब सुनाई करेंगे तेरे पैसे दे दो आगे। हम तो जब बाम बताई की हूँ मैं, कहाँ से पैसे दे दे। जे भी कहते हैं 10 बार भी फिर आई, कोई सुनाई नहीं करती।